डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक पर एक दिवसीय धरना का किया गया आयोजन। हजारीबाग के प्राचीनतम मंदिरों में से एक हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक स्थित ब्रह्मस्थान मंदिर, जो कि मंदिर के पीछे नगर निगम कार्यालय बनाए जाने के क्रम में ध्वस्त हो गया था और जिसे लेकर संवेदक के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि वो मंदिर का पुनर्निर्माण करवा देंगे, परंतु अब उन लोगों के द्वारा मंदिर निर्माण न करवाने की बात कही जा रही है एवं बात करने पर केस दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। इन सब विषयों को लेकर मंदिर समिति के लोगों ने डीसी नैन्सी सहाय को ज्ञापन सौंपा था और इसमें उचित न्याय करने की मांग की थी। इसी के तहत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। मंदिर समिति के सदस्यों का कहना है कि मंदिर 1912 ईस्वी की है तथा श्रद्धालुओं का एक अलग ही इससे लगाव है, जिसे नगर निगम कार्यालय बनाने के दौरान क्षतिग्रस्त होने के बाद छोड़ दिया गया था, परंतु अब नहीं बनवाया जा रहा है। इससे लोगों में खासी नाराजगी है। वहीं डीसी नैन्सी सहाय ने कहा कि इस मामले में जांच करके जो भी उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट।